गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने छुट्टियों से पहले थर्ड चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था रूलिंग द रूलिंग एरियाज, रूलर एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। तो इसके अंदर हम पहले हैं इसकी इंट्रोडक्शन, जैसे कि जैसे पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको मतलब कि अधिकार हो गया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे कहाँ से, बंगाल, बिहार और ओडिशा, ओडिशा जिसको आज हम कहते हैं ओडिशा। तो जब मतलब ब्रिटिश पावर ने इंडियन टेरिटरीज पर कंट्रोल कर लिया तो मतलब कि उनको किसकी जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए। तो जो वार एक्सपेंसिव थे यानी कि युद्ध करते थे तो उसके ऊपर जो खर्च होता था उसके उनको मतलब कि फंडिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और फंड्स चाहिए थे कि जो इंडियन गुड्स थे उनको वो इंग्लैंड भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसके लिए उनको पैसा चाहिए था। तो मतलब कि इसीलिए जो कंपनी थी उसका एक ही मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करना। तो इसीलिए उनको उनके पास एकमात्र स्रोत हो गया था, लैंड रेवेन्यू था। क्या था? लैंड रेवेन्यू। तो एकमात्र उनके पास पैसा कलेक्ट करने का तरीका था लैंड रेवेन्यू। तो इसीलिए उन्होंने मतलब कि स्थिति इस तरह थी कि जो रेवेन्यू था, जो मतलब कि लैंड रेवेन्यू था वो टाइम से कलेक्ट नहीं हो सकता था। तो इसीलिए उन्होंने 1793 से लेकर के उन्होंने 1857 के बीच क्या किया, पॉलिसीज बनाई, अलग अलग पॉलिसीज बनाई उन्होंने। और पॉलिसीज जो बनाते थे गवर्नमेंट उसका मतलब कि जब उसको फ्रेम मतलब कि उसका स्ट्रक्चर तैयार करते थे, उनका मेन एक ही मोटिव होता था कि जो ब्रिटिश की इनकम है उसको बढ़ाना। उसका तरीका क्या है बढ़ाने का? तो इसका सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू था यानी कि ये तो इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी। तो अब क्या है सबसे मेन जो उनका पैसा कमाने का तरीका था वो लैंड रेवेन्यू था। तो लैंड रेवेन्यू टिल ये हमारा टॉपिक है 1793 यानी कि ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। जब 1793 के अंदर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो कैसी थी? तो ब्रिटिश के आने से पहले जो भारत के इंडिया के जो विलेजेस थे वो क्या थे, ज्यादातर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स थे। तो उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, उनका जो व्यवसाय था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो जो फार्मर्स थे वो अपने खेतों के अंदर खेती करते थे और जो भी उसके अंदर उत्पादन होता था उसका कुछ जो पार्ट है वो किसको दे देते थे, किंग को दे देते थे यानी कि राजा को दे देते थे टैक्स के रूप में। और खेती के बिना कुछ जो लोग थे वो आर्ट और क्राफ्ट का काम भी करते थे, जिसके अंदर क्या थे, पोल्ट्री मेकिंग थे यानी कि मटके बनाने का काम था, और आयरन मेल्टिंग यानी कि जो लोहार काम करता है वो थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि 1765 के अंदर दीवानी ली किसकी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। यानी कब ली उन्होंने दीवानी, 1765 के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उन्होंने क्या ली मतलब कि दीवानी ली। तो इसकी मतलब कि लेने से जो ट्रेडिशन, पहले उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड था रेवेन्यू का यानी कि लैंड रेवेन्यू का जो पुराने वाला तरीका था उसी को अपनाया। अब मतलब कि क्या था, उसी को जारी रखा। तो अब उसके अंदर क्या था कि जो राजा था उसको नहीं टैक्स देना था, यानी कि कंपनी ने अपने कुछ अधिकारी लगाए टैक्स इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या थे कुछ जो मतलब कि ऑफिसर्स थे कंपनी के जो ऑफिसर थे वो क्या थे, करप्ट थे।
क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्रिटिश कंपनी को नहीं देते थे। उसका कुछ मतलब कि ज्यादातर भाग जो था उन्होंने अपनी खुद की संपत्ति बनाने के अंदर मतलब कि ज्यादा जमा किया अपने लिए, और जो मतलब कि इस तरह से वो लोगों से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कंपनी को देने के लिए, ज्यादातर भाग वो रखते थे। तो वो किसानों पर ही ज्यादा मतलब कि लगाते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू दे। तो इससे इसका मतलब कि रिजल्ट क्या हुआ कि जो खेत मतलब कि किसान थे वो मजबूर हो गए खेती को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतलब कि चाहे कोई भी परिस्थिति होती उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो इसलिए उनकी जमीन जो थी वो उनके हाथों से चली गई। और अब रह गए जो मतलब कि आर्टिस्ट थे, जो मतलब कि दूसरे जो गांव के अंदर मतलब कि जो मटके बनाते थे या फिर हैंडक्राफ्ट वर्क करते थे, हैंडमेड जो चीजें बनाते थे, वो भी मजबूर हो गए गांव छोड़ने के लिए। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो उनसे कम दामों में चीजें खरीदते थे, कहाँ भेजने के लिए, इंग्लैंड भेजने के लिए, यानी कि यहाँ से कम दाम में खरीद के वहां पे ज्यादा दाम में बेचते थे। तो इसलिए वो भी, तो इसके साथ ही मतलब कि एक और उनके ऊपर मुसीबत आ गई। वो क्या आ गई? 1770 के अंदर एक फेमाइन आया था, यानी कि 1770 के अंदर मतलब कि इतना भयानक फेमाइन आया था कि जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई। तो इसके बाद जो वारलैंड हास्टिंग जो था, उसने क्या किया, उसने 1772 के अंदर मतलब कि स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया, 1772 के अंदर जो वारलैंड हास्टिंग था उसने इजारदारी सिस्टम शुरू किया। स्थिति को सुधारने के लिए। अब इसके साथ क्या था, इसके अंदर मतलब कि क्या था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसके अंदर मतलब कि जो बीडर्स थे, बोली लगाने वाले थे, यानी कि बोली लगती थी 5 साल के लिए, 5 सालों के लिए मतलब कि जो बोली ज्यादा लगाता था उसी का अधिकार होता था कि वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करे। तो इसके अंदर भी मतलब ये तरीका भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो बोली लगाने वाले थे मतलब कि उनकी भी अवस्था अलग अलग थी, क्योंकि वो जिसने पैसा लगाया है, जिसको एक बार अधिकार मिल गया 5 साल के लिए, तो उसने तो कंपनी को दे दिया बोली लगा करके कि इतना इसकी पेमेंट है। तो वो क्या करता था, जितने उसने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, उससे ज्यादा वो उसे कमाना चाहता था, जिसके कारण जो है, तो मतलब कि इसमें भी जो पूरा टैक्स लोग देते थे वो कंपनी के पास नहीं पहुंचता था इस तरीके से भी। तो इस तरह से जो अस्थिरता पैदा होगी रेवेन्यू और इनकम के बीच में लगातार ये बढ़ती गई, और इसीलिए इसको स्मूथ मतलब कि स्थिति को सुधारने के लिए 3 नए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। अब वो कौन कौन से सिस्टम थे, और दूसरा जो था वो था मारवाड़ी सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम था वो था रॉयटवाड़ी सिस्टम।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। 1793 के अंदर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट, या फिर इसको बोल दो जिमीदारी बंदोबस्त, दूसरा नेम है जिमीदारी बंदोबस्त, जिमीदारी बंदोबस्त। ये कहां शुरू किया इसने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। कहां शुरू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसके अंदर क्या था, इसकी मेन फीचर्स क्या थी, कि जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेंगे, मतलब कि एक परमानेंट, मतलब कि जो पुराने वाला था उसका कोई स्कोप नहीं था वहां पे, उसको संशोधित किया गया कि जो रेवेन्यू था वो फिक्स, परमानेंट फिक्स कर दिया कि इतना रेवेन्यू लिया जाएगा। और दूसरा उसका फीचर था कि जो लोकल जमींदार है उसको कलेक्ट करना था, ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, लोकल जमींदार करता था, किससे, किसानों से, और वो टाइम पर पे करता था कंपनी को, वो कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू। तो मतलब कि जो जमींदार था, चाहे बाढ़ आती चाहे सूखा पड़ता, उसको रेवेन्यू, चाहे मतलब कि ड्रॉट, फ्लड कुछ भी आता, उसको कंपनी को मतलब कि देना होता था, किसानों से रेवेन्यू लेना होता था, कंपनी को देना होता था। अगर जो किसान है वो देने में, फार्मर्स असमर्थ होते थे, यानी कि दे नहीं पाते थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि मतलब कि उनकी जो संपत्ति थी, उनका जो खेत था, उसको नीलाम कर देते थे। और इसके कारण मतलब कि कुछ नए लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे वो खड़े हो गए, जैसे मर्चेंट्स थे, ट्रेडर थे, जिनका अपना भूमि था गांव के अंदर, और वो कहाँ रहते थे, कस्बों के अंदर रहते थे, और उनको मतलब कि स्टेटस मिल गया, किसका, टैक्स कलेक्टर का, यानी कि जो गांव के अंदर रह रहे थे, जिनकी खेत गांव के अंदर खेत थे, तो वो भी गांव के अंदर चले गए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो मतलब कि वो भी टैक्स कलेक्टर बन गए। और ये अनुवांशिक लैंडलॉर्डर थे, यानी कि जैसे पहले किसी के पापा होते थे, फिर आगे वो उसका बेटा गद्दी ले लेता था, तो इस तरह से ये मतलब कि हेरिडेटरी थे, हेरिडेटरी सिस्टम बन गया। और जो कल्टीवेटर थे वो क्या बन गए, किराएदार बन गए, यानी कि टीनेंट्स बन गए। और मतलब जो कुछ भी रेवेन्यू जमींदारी को देने के बाद, जो भी मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद बचता था, वो किसान का प्रॉफिट होता था। तो अब एडवांटेज फॉर द कंपनी, अब इसके लिए लाभ क्या हुए, ये सिस्टम, परमानेंट सिस्टम अपनाने से कंपनी को क्या एडवांटेजेस हुए, कंपनी पर एडवांटेजेस हुए कि जो इनकम थी कंपनी की वो बढ़ गई, और मतलब कि चाहे कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे भी होते थे, फिर भी कंपनी को मतलब कि अश्योर थी, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो था वह अश्योर था वो। और जो न्यू लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या थे, स्पोर्टर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश उनको यूज करती थी, यानी कि जो क्रांतियां होती थी उनके एरिया के अंदर, उनको दबाने के लिए भी उनका यूज करती थी। अब इफेक्ट्स, जो मतलब कि इफेक्ट्स किसके ऊपर पड़े, पीजेंट्स के और जमींदार के ऊपर, यानी कि जो इफेक्ट्स ऑन पीजेंट्स एंड जमींदार, और जमींदार और जो मतलब कि किसान थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े इसका, परमानेंट सेटलमेंट का, यानी जो परमानेंट रेवेन्यू कलेक्शन था उसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा इस सिस्टम के अंदर,
यानी कि जो पहले पीजेंट थे वो खुद के एक्चुअल कल्टीवेटर थे उस भूमि के, उनको क्या कर दिया, उनको जमींदारों के दया पर छोड़ दिया। यानी कि जमींदारों को दया आती थी तो वो चलता था, अगर जमींदारों को दया नहीं आती थी तो वो बर्बाद हो जाता था। तो मतलब कि उनको क्यों बर्बाद होता था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ता था और मतलब कि जो कुछ भी निकला हुआ था वो सारा दे करके वो खाली हाथ हो जाते थे। और जो मतलब कि रेवेन्यू पे करने के लिए जो पीजेंट थे वो क्या करते थे, यानी कि उनको अपनी जमीन को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, जो मतलब मनी लेडर थे यानी कि जो बड़े बनिया वगैरह लोग जो थे, पैसे वाले थे, उनसे वो क्या करते थे, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेते थे, यानी कि वो ब्याज के ऊपर उनसे पैसा लेते थे, जिससे मतलब कि एक लोन के रूप में। तो उसके लिए वो क्या करते थे, हाई इंटरेस्ट लगाते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे। वो ब्याज मतलब कि नॉन रीपेमेंट लोन हो जाता था, यानी कि वो लोन कभी नहीं उतार सकते थे, वो लोन हमेशा के लिए मतलब कि वो जो किसान थे वो कर्जदार हो गए। तो इसके लिए जब वो मतलब कि वो उसके लिए उन्होंने लोन लेने के लिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी होती थी, और जब जमींदार को उनका पैसा नहीं मिलता था तो वो क्या करता था, जब ज्यादा पैसा हो जाता था मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट लगा लगा करके जब पैसा पेमेंट ज्यादा हो जाती, वो क्या करता, उनके जमीनों पर अधिकार कर लेता। तो इस तरह से वो मतलब कि जो उनके खेत थे वो खत्म हो गए। तो वो लोग मजबूर हो गए कहाँ, शहरों के अंदर जाने के लिए, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी डेली बेस पर काम करने के लिए। और जो लॉर्ड मतलब कि इतना ज्यादा था लैंड रेवेन्यू कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े मतलब कि खेतीहार थे, वो भी इसको पे नहीं कर सकते थे, उनको भी मुश्किल था इसको मैनेज करना। तो इस तरह से जो बहुत सारे जमींदार थे उन्होंने अपना खेत मतलब कि वो अपने शुरू के सालों के अंदर ही उन्होंने अपने खेत गवा दिए। तो इसके अंदर ना तो मतलब कि जो खेत थे उसके अंदर ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई मतलब कि पैसा लगाया, और ना ही जो जमींदार थे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की। तो इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, और जो पीजेंट थे वो फोर्स थे, यानी कि जो कुछ बचे थे किसान वो उनको जबरदस्ती कैश क्रॉप्स उगवाए जाते थे, जैसे इंडिगो था और कॉटन, यानी कि उनको ज्यादा रेवेन्यू देने के लिए। तो बेटा इतना हमने पहले पढ़ा था, इतना मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब कल हम पढ़ेंगे रॉयल्टी सिस्टम, सेकंड पॉइंट जो बुक के अकॉर्डिंग है वो है रॉयट वाली सिस्टम। तो ये 1820 के अंदर शुरू हुआ था, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। बेटा ये चैप्टर आप देख लेना, ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कंसल्ट करना। थैंक्स।